जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी न्यूज में प्रस्तुत है आज गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़कर मनाए जा रहे सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह साहब के 423वें प्रकाश पर्व की खास खबर। सिखों के छठवें गुरु श्री हरगोविंद सिंह साहब का 423वां प्रकाश पर्व 29 जून को मनाया गया। प्रकाश पर्व को लेकर दो दिन तक दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाई गुरुदास ने गुरु साहिब की गौरव गाथा में इन शब्दों को लिखा है। पंज प्यारे पंथी छटम पिए बैठा गुरभारी, अर्जुन पाया पलट के मुगत हर गोविंद सवारी। चली पी ही तोड़िया रूप दिखावन बारो बारी, दल बंधन गुर सूरमा बड़ी योद्धा रूपा चुकवारी। ग्वालियर किले पर जिस स्थान पर आज हम भव्य गुरुद्वारे को देख रहे हैं, वहां कवि गुरु हरगोविंद सिंह साहब को जहांगीर ने बंदी बनाने की हिमाकत की थी। बने गुरु गद्दी संभालते ही उन्होंने दो तलवारें ग्रहण की। गुरु साहब की प्रेरणा से ही अकाल तख्त साहिब का निर्माण हुआ। गुरु साहिब ने मुगलों से 5 युद्ध किए और 5 में ही विजय हासिल की। गुरु साहिब के पास इतनी बड़ी सैन्य शक्ति थी कि मुगल सैनिक भी उनसे भयभीत रहते थे। गुरु साहिब ने ही सिख संगत में भक्ति और शक्ति की चेतना पैदा की थी। ਜੈ ਜੈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰੇ
समूह संगतां नूं लख लख वधाइयां। अज गुरद्वारा दाता बंदी छोट किला ग्वालियर विखे समूह संगतां दे संयोग नाल जो प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है, जिस विच हजूरी रागी भाई दरबार साहब तो भाई जगतार सिंह जी कथावाचक भाई जसवंत सिंह जी हाजरियां भर रहे हैं। जी वधिया लगे तो फिर बोल पाएंगे।